डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन leadership ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस making मेकिंग दिस इज number नंबर sixty six and एंड द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज हाउ इमोशंस decision डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग के प्रस्पेक्टिव में जहाँ पर एक तरफ हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं वहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि जज्बात और साथ हमारे ख्यालात को मुतासर वो कैसे करते हैं इस हवाले से there आर certain things That we need to understand, and those things are discussed on the slide. It is said that in positive mood, people are more likely to feel generous and helpful. This is very important perspective. Secondly, positive moods can also enhance creative problem solving. हमारे जहन में नए से नए ख्याल आएंगे हमारे रुझान बेहतर होंगे हम बेहतर तौर चीज़ों को परख सकेंगे जान सकेंगे सोच सकेंगे और हमारी नेगेटिविटीज जो हैं वो ऑब्वियसली वो मुतासर नहीं कर पाएंगी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को अब उस मकसद के लिए बात ऑर्गनाइजेशन फैसिलिटी के अंदर पीपल में हैव टू गो थ्रू इमोशनल लेबर इट इज सेड दैट एन एम्प्लॉज एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन वर्क And that is what we call emotional labor. आपके अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा हो आपके जहन में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके ख्याल में जो भी उलझाव हो लेकिन आप बजाय ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स में लोगों के साथ इंटरक्शन में वो पॉजिटिव बिहेव करते हो आप ऐसा बिहेव करते हो जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहती है कि आप बिहेव करो इसी कॉन्टेक्ट में समटाइम्स पीपल कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम इमोशनल डिजोनेस इमोशनल डिजोनेंस तभी हो पाएगा जब आपके ख्याल बताने में डिमोस्ट्रेट करने में और आपके अंदर महसूसात वो आपस में तजाद में हों सो इम्प्लॉज है आप मुसलसल एक स्ट्रेस की कैफियत में होते हो और वह इमोशनल लेबर कैन मेनीस्ट यू लाइक वाइज अगर हम इमोशनल लेबर की बात करें तो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इमोशन फॉर एग्जाम्पल वेन वी टॉक अबाउट फेल्ट इमोशन जुअल एक्चुअल इमोशन जबकि डिस्प्लेड इमोशन आर रिक्वायर्ड और एप्रोप्रिएट इमोशन जो फ्रंट डेस्क के ऊपर आप कस्टमर डीलिंग के दौरान एक्टिंग इट मीन डिस्प्लेंग एप्रोप्रिएटली बट नॉट फीलिंग दो इमोशन इंटरनली लेकिन अगर हम डीप एक्टिंग की बात करें तो चेंजिंग इंटरनल फीलिंग्स टू मैच डिस्प्ले रूल्स एंड दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रेसफुल और उस डीप एक्टिंग से आप अपनी एसोसिएशन को लूज करके अपने आप को उस काम में उस मकसद में इस कदर इन्वॉल्व कर लेते हो एज इफ यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ इट इमोशनल लेबर कैन इवन समाइम्स एग्जॉस्ट यू याद रखिएगा कि रिसर्च बेस्ड एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि अटिस्फाइड एम्प्लॉई कैन बी सोर्स ऑफ अ सेटिसफाइड कस्टमर अब अगर हम कस्टमर सेटिसफेक्शन की तरफ भी जाना चाहते हैं तो नो no डाउट हमें इम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करना है और एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन तभी क्रिएट हो पाएगी व्हेन द पर्सन इज नॉट हैविंग बर्नआउट्स वेन द पर्सन इज नॉट हैविंग द क्लैश बिटवीन वट द पर्सन इज थिंकिंग वट द पर्सन इज बिहेविंग डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो अक्सर अकात रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मामला में हमें बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियली भी डिमॉन्स्ट्रेट वो करनी पड़ती हैं हमें अपने आप को मनाना और बताना पड़ता है कि कब कहाँ क्यों कैसे हमारा कैसा बर्ताव वो होना चाहिए सो so, ये करना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होगा इमोशनल लेबर से गुजरना हमारे लिए जरूरी इसलिए होगा क्योंकि हम अपने मकासद में कामयाब वो होना चाहते हैं थैंक यू